वाराणसी का करीब 150 साल पुराना श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला अस्पताल आज बदहाली के आंसू रो रहा है। अस्पताल के निरीक्षण को आए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ये मान चुके हैं कि अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है और इसे ठीक करने की जरूरत है। मंत्री के निरीक्षण के करीब 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अस्पताल में कोई सुधार नहीं आया। जिला अस्पताल में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल में कुल 14 हैंडपंप और वाटर कूलर हैं, जिनमें से 10 खराब पड़े हैं। लोगों को बाहर से पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। ठंडा पानी नहीं मिल रहा है और दिक्कत नहीं, उधर तो पानी नहीं है। वहीं वाराणसी के मंडलीय अस्पताल के CMS डॉक्टर BN श्रीवास्तव ने माना कि पानी की समस्या है। दो नए वाटर कूलर लगवाए गए हैं और बाकी 3 वाटर कूलर रिपेयर में गए हैं। प्याऊ वाले जो हैं, जो उसका कंप्रेसर लोगों ने दरवाजा तोड़ करके उसका कंप्रेसर उठा ले गए और अभी चल रही है। पानी का चूंकि लेवल नीचे हो गया है इसलिए पानी की स्पीड कम आ रही है, दो उसमें नलों में पानी आ रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अगर अस्पतालों का ये हाल है तो सूबे के दूसरे जिलों की बात क्या करें। मर्ज ठीक कराने अस्पताल में मरीज आते हैं लेकिन यहाँ पर उन्हें तमाम तकलीफों का सामना जब करना पड़ता है तो वे सरकार के काम पर सवाल उठाते हैं और अपना हक मांगते हैं। नीरज कुमार, APN वाराणसी।